मैं हूं गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर के बवरकुआ थाने में कुछ दिन पूर्व एक पीड़िता ने अपने पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज, प्रताड़ना और मारपीट का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जिसको लेकर पीड़ित ने आईजी साहब को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है और सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर विनय रंगशाही और उनके पिता अशोक रंगशाही व उनकी पत्नी के खिलाफ पीड़िता विनय रंगशाही की पत्नी फरहत नाजनी ने पिछले दिनों इंदौर के बवरकुआ थाने में दहेज, प्रताड़ना और मारपीट का मामला दर्ज कराया था, लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर पीड़िता ने आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि उनकी शादी 2010 में हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी पति विनय, ससुर और सास उसे प्रताड़ित करते हैं और पति ने दूसरी शादी भी कर ली है, पर इंदौर पुलिस दबाव प्रभाव के चलते उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। उल्टा पीड़िता को ही पुलिस बार बार थाने बुलाकर परेशान कर रही है। आपको बता दें, आरोपी विनय रंगशाही के पिता अशोक रंगशाही पूर्व में इंदौर में टीआई रह चुके हैं। अपने पद का दबाव बनाकर लगातार बाप बेटा पीड़ित को फोन कर जान से मारने की धमकी, झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। यहां तक कि धर्मांतरण करने के लिए भी दबाव बनाते हैं, जिसके चलते आज पीड़ित ने आईजी साहब से मिलकर न्याय की मांग करते हुए सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं इंदौर आईजी ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी के लिए बवरकुआ थाना प्रभारी को निर्देश किया है। जल्द ही पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। इसमें एक इंदौर के थाना भवनकुआ में प्रकरण कायम है और उसमें मुख्य तौर पे इन्होंने ज्ञापन गिरफ्तारी के संबंध में दिया है। पूर्व में अधिकारियों को इसमें निर्देशित किया गया है। निश्चित तौर पे उसमें जो प्रभारी और जांच अधिकारी हैं उनसे निर्देशित किया जाएगा कि जल्द ही इस मामले में विवेचना समाप्त करें और शीघ्र प्राथमिकता पर इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर, कल इंदौर पुलिस पता है, आज आप यहाँ पे आईजी से मिलने आए थे, किस तरह की शिकायत लेकर आए थे? जी, मैं इसके पहले भी आईजी साहब से मिलने आई हूँ 6 तारीख को। जो मेरे पति है, जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर विनय रंगशाही, और उनका परिवार, मदर मेरी सास और ससुर, इन तीनों को कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और उस दिन मैं आई थी, उसके जस्ट बाद टीआई साहब का बयान आया था कि वो उसके पिता को गिरफ्तार कर लिए थे, और बस उसके दूसरे ही दिन उसने बेल लगा दी और बेल वहाँ पर जा कर के न्यायपालिका में वहाँ से खारिज हो गई है। मतलब 2 बार इन लोगों ने लगाई, दोनों बार खारिज हुई है, फिर भी पुलिस इनका इतना सपोर्ट कर रही है। क्या मामला क्या है पूरा शुरू का? मामला देखिए सर, ये है कि मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे, और हम 2009 से हम लोग साथ हैं। उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ, और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने, और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना, पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। अब जब मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई और सब मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर, वो एक्चुअली मेरे को मेरे घर से निकलवा दिया। मेरे मकान मालिक को बोला कि हम तेरे नाम से रिपोर्ट कर देंगे। मेरे घर पे मेरी मदर के यहाँ बालाघाट जाकर वहाँ पर भी इसने बहुत हंगामा किया। वहाँ पर भी इसने मतलब पूरे साक्ष्य छुपाना और साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश करी है। मेरे भाई को एक CSP कोई इसका दोस्त है, कोई DSP दोस्त है, कोई वकील जी, तीनों के सामने बैठा के बोला कि आर्म्स एक्ट में फंसाऊंगा, धर्मांतरण एक्ट में फंसाऊंगा और शराब रखने वाले एक्ट में तुमको फंसाऊंगा अगर तुम्हारी बहन ने मुझे तलाक नहीं दिया तो। उनको वहाँ बालाघाट में इतना दबाव बनाया कि मेरे भाई ने बेचारे ने, हमारे खानदान में कभी कोई पुलिस में आज तक कोई केस ही नहीं हुआ, मेरे भाई ने बेचारे ने डर के मारे उसको मेरी मैरिज सर्टिफिकेट दे दी। धर्मांतरण के लिए दबाव भी बनाया गया था? धर्मांतरण के लिए उसको हमने किसी प्रकार का किसी को कोई दबाव नहीं बनाया। कोई गजेटेड ऑफिसर है, 36 साल का आदमी, जब शादी तरफ से उनकी तरफ से मुझे धर्मांतरण तो मेरा ही हुआ है ना। मैंने सनातन धर्म लिया, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कभी कोई भी पति का जो धर्म होता है वो पत्नी का धर्म होता है। यहाँ कोई किसी का धर्म, आपको इतनी आज़ादी थोड़ी है कि आप अपना अपना धर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी कोई से कौन है ये जिला आपका मामला है, कौन से थाना क्षेत्र का मामला जी? ये भवरकुआ थाना क्षेत्र का मामला है और पुलिस मुझे हमेशा परेशान कर रही है। भवरकुआ थाने ने मुझे बहुत परेशान किया, मतलब मैं फरियादी हूँ, उनको मेरे पास आना चाहिए। मुझे बार बार बुला रहे हैं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, फिर भी वो मुझे मतलब हर तरह से फ़ोन लगा रहे हैं, और ये बंदा मुझे अलग अलग से अब्यूज़ कर रहा है कि तुम इंदौर छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं और तुमको जान से मार दूंगा और अब तुम अपना मुंह अल्लाह को ही दिखा पाओगी। मतलब ये क्या है, दिस इज नॉट द वे। कौन है रंगशाही, किस पद पे हैं अभी? ये जिला आबकारी अधिकारी है, अलीराजपुर में है ये पोस्टेड, और ये मैं आबकारी विभाग में भी ये सब चीज़ दे चुकी हूँ, लेकिन आबकारी विभाग भी कुछ नहीं कर रहा है, उसको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। अच्छा, पहले भी कोई वीडियो वगैरह लीक हुआ था कोई बुक की वगैरह से?
कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले भी दर्ज है? जी हाँ, इनके तो बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है, वो मेरे नॉलेज में है, लेकिन मेरे को उतनी बातें आगे की उसकी पता नहीं है कि क्या है। बस वो तो क्या होता है, सबने क्या बोला आपको? जी उन्होंने बोला कि हम इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको DIG साहब के पास वहाँ भेजेंगे। इसके पहले भी मैं आ चुकी, मैं फरियादी हूँ कि मैं क्या हूँ मुझे समझ में नहीं। तो मैं क्रिमिनल हूँ क्या जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है? पुलिस मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? सर मैं न्याय चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इनकी गिरफ्तारी हो और इनको अपराधी की तरह ट्रीट करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी के 12 साल इसने बर्बाद किया है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कैसे मतलब कहूँ कि इसने क्या क्या नहीं किया है मेरे साथ। जानकारी लगी है कि दूसरी शादी भी की है उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने दूसरी शादी की है उससे, मैं उसको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। वो दीपान्विता नाग नाम था उसका और वो देवार्थ नाग की पत्नी थी और उसका हस्बैंड डायस पार्क में जॉब करता था और विनय और अक्षय दोनों भाई ने इसको 2 साल तक राखी बांधी है ये लेडी ने। उसका दीपान्विता नाग नाम है और वो मिमी उसका निकनेम है। तो राखी बांधी और फिर पहले मेरे से शादी करा और फिर उसके बाद उससे शादी करके उससे एक बच्ची पैदा कर ली। आपका नाम मतलब? जी मेरा नाम फरहत नाज़दीन है।